गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हमारा कैंप है, कौन सा जगह है? एक मिनट रुको, मैं भूल गया कहाँ पर कैंप है हमारा। मेहू वाला, हाँ आज हमारा कैंप है मेहू वाला माजरा में। आज हमारा कैंप है माजरा में। सो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं कैंप के लिए। अच्छा कैंप जा रहे हैं ना? हाँ जी। यस। कौन नहीं आया, कौन लेट लतीफ नहीं आया? ये हमारे खूंखार ड्राइवर जी मिथुन चक्रवर्ती। तो कैंप के लिए रेडी है गाइस। बारिश भी हल्की हल्की हो रही है और इधर देखिए हमारे प्यारे राधा राठौर को प्यार से कुत्तों को खाना खिलाते हुए। बिस्किट है कि रोटी है सर? बिस्किट। अपना लंच दे दिया? हाँ जी। वो अभी देखिए ये खुद ढंग से काम नहीं करते, किसी को टाइम पे समय बुला नहीं सकते। और मास्क कहाँ है तुम्हारा? सर वो तो खरीदा नहीं। तो गाइस कैंप में आए, मस्त बारिश हो रही है, कार होने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं। हमारे पास छाता ही नहीं है। देखिए डॉक्टर साहब फंस रखे अंदर। चलिए आज ये है कि बारिश हो रही खतरनाक वाली। क्या ही कैंप करेंगे, इधर देख लीजिए सारे आराम कर रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे? आ तो ले लिया मैंने अभी कैंप के करता धरता। पेशेंट कहाँ से लेके आओगे? अभी छाता लेके आएंगे जब। तो गाइस हम लोग कैंप में आ चुके हैं, हमारा पोस्टर लग भी चुका है। और मेरे साथ सहयोग करने के लिए हमारे एक्सटर्नल पीआरओ राजेंद्र जी, नमस्कार तो बोल दीजिए। नमस्कार दर्शकों। अरे दर्शकों को तो नमस्कार कर दीजिए। कैंप हमने लगाया है, बहुत अच्छे से चल रहा है कैंप, लेकिन बारिश भी साथ में हमारा साथ नहीं दे रही है। नहीं बारिश साथ दे रही है, साथ नहीं दे रही है ऐसा मत बोलिए। अभी तक 40 पेशेंट आ चुके हैं, बकाया अभी बहुत लोग आना बाकी है। देखते हैं अभी क्या होता है आगे। बारिश ने आधा काम रोक तो रखा है मगर लोगों को नहीं रोक पाया बारिश। कैंप की शुरुआत होते ही यहाँ पर चाय वाय बटने शुरू हो गए हैं, लोग भी आ रखे हैं उधर। अभी फिलहाल हमारे यहाँ पर RBS और BP चेक हो रहा है।
डॉक्टरों को, नर्सेस को, और ये मच्छर मारने वाली धुआं दवाइयाँ छिड़को, फॉगिंग मशीन की व्यवस्था भी करवाई गई। अभी देखिए इतनी केयर कौन करता है, कैंप चल रहा है, बारिश हो रही है, मच्छर कहीं उल्टा ना काट दे, डेंगू का डर हो रहा है। अभी मैक्सिमम अभी देखा जाए डेंगू की बीमारी आज सामने आई हुई है, बहुत सारे लोग बीमार हो रखे हैं डेंगू की वजह से, तो ये केयर किया जा रहा है। चलिए अब आपको मिलाते हैं उनसे जिनकी वजह से ये कैंप एक सक्सेसफुल कैंप रहा। ये यहाँ के अफ्ताब आलम जी हैं जो कि यहाँ के माजरा के ग्राम प्रधान हैं, पार्षद है सॉरी। तो कुछ चंद बातें इनसे करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, यहाँ के पार्षद है। मेरा नाम आफ्ताब आलम है और मैं माजरा से पार्षद हूँ, और हमारे क्षेत्र में ब्राह्मण वाला भी आता है और इसमें सेवला कला आता है, और माजरा का एक बड़ा हिस्सा जो है वो आता है आईएसबीटी के आसपास का क्षेत्र। और जैसे कि हमने ये कैंप आज शुभारती हॉस्पिटल और अमर उजाला के सौजन्य से आज माजरा में लगा है, और जैसा कि भाई साहब के द्वारा आपने देखा ही होगा कि फ्री दवाइयों का वितरण फिजिशियन, गायनोकोलॉजिस्ट, ENT और आईज़ के, ऑर्थो के सारे ही डॉक्टर आ रखे हैं, और लगातार लोग पहुंच रहे हैं और इसका कैंप का फ़ायदा उठा रहे हैं। इससे बड़ी अचीवमेंट कोई और नहीं हो सकता कि इतनी भारी बारिश में शुभारती हॉस्पिटल का स्टाफ लगातार काम कर रहा है। हालांकि काफ़ी दिक्कत आ रही है लोगों को यहां पर पहुंचने में, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है और रात से बारिश लगातार हो रही है, और इस समय भी काफ़ी पानी लगातार पड़ रहा है, लेकिन उस सब के बावजूद इनकी हिम्मत और इनके हौसले की दाद देनी पड़ेगी जो लगातार ये काम में जुटे हुए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बाकी जो भी कहे, सर की जो मेहनत है, हमारी मेहनत तो छोड़िए वो अलग बात है, सर की जो मेहनत है, इतनी बड़ी बारिश हो रखी है, सुबह से लगातार बारिश चल रही है अभी भी कंटिन्यू, और सर ने तिरपाल तक लगा रखा है। जो व्यवस्थाएँ यहाँ की, ये सर की दी गई है, आप व्यवस्था देख सकते हैं। व्यवस्था में सर ने अपना खुद का ऑफिस दे रखा है हमें, जहाँ पर हमारे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हमारे ऑर्थोपेडिक्स हैं, हमारे ENT डॉक्टर हैं और जनरल फिजिशियन डॉक्टर हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने अपना खुद का ऑफिस भी दे रखा है हमें। सर भी पूरी तरह से मतलब अपने तरफ से पूरा 100% देना चाहते हैं, और दे भी रहे, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहे। ऑर्थोपेडिकली ये सेपरेट जगह दे रखा है सर ने। जी बताइए। यहाँ पर आंखों की जांच हो रही है। वैसे सर आप बताइए कितने संतुष्ट हो रहे हैं आप, मतलब जो भी हमारे कैंप चल रहे हैं। देखिए आपकी तरफ से तो 100% है जो दिया हुआ है, जो आपसे वादा हुआ था कि फ्री मेडिसिन दी जाएंगी, फ्री जी सर डॉक्टर की टीम आएगी, ECG वगैरह, एम्बुलेंस, सारी चीज़ें हैं। लेकिन मौसम की वजह से, जैसे कि आप लगातार देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, इस वजह से लोगों अभी भी देख सकते हैं सर, और हम दोनों भीगते भीगते घूम रहे हैं। लोगों का आना इस बिलो एक्सपेक्टेशन। हमने कम से कम 1000 लोगों का टारगेट रखा था कि लगभग इसमें हम 1000 लोगों को फ्री दवाइयों का वितरण, जैसे कि आप देख रहे हैं इधर अगर आप दिखाएंगे तो फ्री दवाइयां लोगों को दी जा रही हैं और फ्री टेस्ट हो रहे हैं। लेकिन जैसा एक्सपेक्टेशन थी हमारी कि बहुत भारी संख्या में लोग आएंगे, ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं सुबह से बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन उस सब के बावजूद लगातार लोगों का आना बना हुआ है, और ऐसी हमें उम्मीद है कि अगले 1-2 घंटे में, 3 घंटे में काफ़ी लोग और आएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। तो गाइस दिन के 2 बज रहे हैं, अभी हमारे मार्केटिंग HOD सर आ रखे हैं और मिस्टर रोहित माथुर सर कैंप का मुआयना लेने के लिए। सर कैंप के लिए कुछ कहना चाहेंगे सर, कैंप में आए कैसा लग रहा है सर? कैंप में जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी है, बट अनफॉर्चुनेटली बारिश होने की वजह से पेशेंट थोड़े कम हो गए, अदरवाइज़ वी वर एक्सपेक्टिंग कि 200-250 के आसपास लोग आएंगे दिखाने के लिए, लेकिन ठीक है,
अच्छे पेशेंट हैं, ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि एक महीने के बाद दोबारा से कैंप लगाएंगे। थैंक यू सर परमिशन देने के लिए। हम भी चाहते थे कि नेक्स्ट मंथ हम लोग एक अच्छा कैंप कर दें। हाँ, नेक्स्ट मंथ कैंप फिर से करें, क्योंकि एज पर पार्षद सर के हिसाब से इधर नॉर्मली मिनिमम 500 लोग आने थे और मैक्सिमम जो एक्सपेक्टेशन था मोर देन 1000 पीपल्स थे इधर। अच्छा जी सर। हाँ नहीं, नेक्स्ट मंथ जब बारिश कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी जी सर, फिर से एक कैंप लगाएंगे इसी जगह पर। ओके सर, थैंक यू सर। तो गाइस, ये हुई इस कैंप की समाप्ति। देख सकते हैं कितने खुश नजर आ रहे हैं सब लोग, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।